एक बात हमें पीड़ा सताती है कि हमारा वोट तो जूली को भी पड़ जाएगा, दीपचंद को भी पड़ जाएगा, मांगीलाल जी को भी पड़ जाएगा, बहन संजना को भी पड़ जाएगा, भंवर साहब को भी पड़ जाएगा, ये हमारे लिए वोट क्यों नहीं पड़ता, ये चिंता का विषय भी सोचना पड़ेगा। और जिनको आपने बहुत लाड से प्यार से एक मजबूती से चुनाव लड़ाए, हाथी से उतरकर हाथ पर आए भाई इमरान खान जी, अब ये तो हाथी से खाली आए, तो दीपचंद जी और सिंधिया तो इनको तो हाथी ने निहाल किया था, हमें तो नहीं किया। मैं देखिए, आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े, हार जीत होती है, उम्मीद थी कि इमरान चुनाव जीते। मैं हमारे 6 विधायक हैं और सब अनुभवी हैं, और मुझे तो अनुभवी विपक्ष का है। हम 6 विधायक, जिला प्रमुख हमारे कांग्रेस के हैं, बलबीर छिल्लर जी और भंवर साहब जैसे व्यक्तित्व और नेता का आशीर्वाद और सानिध्य रहेगा तो आप ये मत समझना कि किसी भी सरकार को या किसी भी विधायक को आपके खिलाफ अन्याय करने देंगे या आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। आपके लिए ताकत से लड़ेंगे। आप लोगों से भी निवेदन है कि हमें हालात को समझना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि समाज में व्यवस्था घुले और लोगों में नाराजगी। जहां तक आपके हक की लड़ाई है, आपके न्याय की लड़ाई है, उसके लिए हम ईंट से ईंट बजा देंगे, यहाँ आपसे कहना चाहते हैं। और मंच पे बड़े बड़े हमारे बहुत सीनियर नेता बैठे हैं, मैं एक बात हमारे परिवार में बैठे हैं इसलिए कहना चाहूंगा, दीपचंद जी आपका लंबा अनुभव है, टीकराम जोली जी आपको भी काफी लंबा अनुभव है, मांगीलाल जी को भी अनुभव है, भंवर साहब को तो हमसे ज्यादा अनुभव है। एक बात हमें पीड़ा सताती है कि हमारा वोट तो जूली को भी पड़ जाएगा, दीपचंद को भी पड़ जाएगा, मांगीलाल जी को भी पड़ जाएगा, बहन संजना को भी पड़ जाएगा, भंवर साहब को भी पड़ जाएगा, ये हमारे लिए वोट क्यों नहीं पड़ता, ये चिंता का विषय भी सोचना पड़ेगा। 42% जिनके वोट हो और वो चुनाव हार जाए, ये बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा को कहीं ना कहीं रोकना है तो हमको अपने परिवार से घर से रोकना पड़ेगा। इनका तो एजेंडा यही है कि देश में विभाजन कर दो, जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर। अगर हम अपने परिवारों को संभाल के नहीं रखेंगे तो हम कैसे ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसके गांधी जी ने सपना देखा था, नेहरू जी ने देखा था, इंदिरा जी ने देखा था, सरदार पटेल जी ने देखा था, अब्दुल कलाम आजाद साहब ने देखा था। आज कांग्रेस की नीतियां सबके लिए बराबर से हैं, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर हम सब लोगों ने ठान लिया कि हमको अपने घर ठीक करने हैं तो अगली बार तिजारा से भी भारी बहुमत से कांग्रेस का विधायक जीता हुआ। और इमरान भाई, आपने जो कहा कि भाई वोट दिए जिसने भी, भैया आपने तो पहली बार भुगता, मैं तो 30 साल से भुगत रहा हूँ इस बात को। आप तो 42% तो लेके लड़े हो, मैं तो 22% पे ही लड़ता आ रहा हूँ इतने दिन से। तो मुझे क्या, मुझे तो सारी चीज पता है अंदर बाहर की, मुझसे कोई छुपी हुई नहीं है। लेकिन आपने अच्छा चुनाव लड़ा, उम्र आपके साथ है, लोगों को जोड़ के रखिए, क्योंकि राजनीति में व्यवहार और जोड़ना ही चलेगा, खराब व्यवहार और तोड़ना कभी लाभ नहीं देगा। लोगों को जोड़िए, जिन्होंने मदद की उनको तो जोड़िए, जिन्होंने नहीं किए कोशिश करिए आगे मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार भंवर साहब को पुनः धन्यवाद कि उन्होंने ये सोचा कि हमारे सारे MLA, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर वो नहीं चाहते, सबको पाबंद नहीं करते, सब यहाँ आ रहे थे क्या? अब सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी, तिजारा से कोई आदमी जाएगा या इमरान भाई कोई यहाँ के बात कहेंगे विकास की या और कोई अन्याय के खिलाफ, तो सबकी मॉरल ड्यूटी बनेगी कि आपके साथ खड़े होंगे। तो भंवर साहब ने ये शुरुआत की है और वहां से शुरुआत की है जहां हम आ रहे हैं, जीतने के आने के बाद में जाएंगे। उनको मैं अपनी ओर से, कांग्रेस के परिवारों की ओर से, आप सब की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आभार देता हूं। और ये कामना करते हैं ईश्वर से कि जिस तरह से आप चल रहे हैं, आगे ईश्वर आपकी मदद करे और एक दिन आप अलवर जिले का, हम तो राजस्थान के लिए, राजस्थान लेवल पे नहीं, भारत में भी नाम चमकाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।